जी राधे राधे। गुरु जी मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, जब किसी के दाह संस्कार में जाते हैं वहां वस्त्र ले जाना चाहिए घी या सामग्री? जब किसी के दाह संस्कार में जाते हैं वहां कपड़ा ले जाना चाहिए घी या सामग्री? दाह संस्कार कपड़ा किसके लिए? जो जिसका हुआ मृत्यु हुई है उसके लिए कपड़ा ले जाने की क्या जरूरत है, वो तो गए ही, अब क्या कपड़ा पहनेगा। अच्छा, लोग जाते हैं माल्यार्पण जरूर करते हैं, पुष्प इत्यादि चढ़ाते हैं चरणों में, पुष्प इत्यादि ही चढ़ाने की परंपरा है, कुछ लोग ले जाते हैं पर पुष्प ही ठीक है। और या सामग्री और घी? हाँ, सामग्री और घी नहीं, घी जब किसी के पिताजी गुजरते हैं तो वो बेटा अपने बाप के मरने पर तो फिर वो सब ले जाता है, घी भी ले जाएगा, कपाल मोचन होगा तो घी भरते हैं सिर पे, तो वो तो बेटा। आप पूछ रहे हैं सामान्य आदमी जाए तो क्या लेके जाए, क्या पूछ रहे हैं? तो सामान्य आदमी जाता तो घी थोड़ी लेके जाता है, भी रिश्तेदारी वगैरह जाते हैं जब करते हैं। अब आपके यहाँ परंपरा हो तो हम नहीं कह सकते, आप लोग ले जाते हो तो। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। मैं अखिलेश कुमार पपरौल गांव चंदौली जिला उत्तर प्रदेश से आया हूँ। गुरु जी मैं आर्मी में हूँ और मैं आपका कथा पेन ड्राइव में डाउनलोड करके गांव के समाज बीच में चलाया और मेरा गांव पूरे चंदा इकट्ठा करके मेरे को आपके पास भेज रखा है। और वो बोले हैं कि पूरा गांव बोला कि हम गुरु जी को हमारी तरफ से राधे राधे बोलना, और बाहर से आर्मी वाले भी कुछ पैसे भेज रखे हैं जिसमें मैं आज भी पैसा भेजा डाल के आपके पास लेके आया हूँ और मैं आपके पास देना चाहता हूँ। खुश रहिए, सुंदर तालियां हो, पूरे गांव के लोगों ने अपना सहयोग थोड़ा थोड़ा जो बना पहुँचाया है वृद्ध माओं के लिए। गुरु जी मैं जब आपके 30,000 थे मैं तब से जुड़ा हूँ और जब भी मेरी पेमेंट आती है मैं पहला पैसा आपको भेज के तभी दूसरे को मैं पैसा भेजता हूँ। गुरु जी मेरे परिवार में 13 सदस्य हैं, कोई मांस मछली मुर्गा दारू नहीं खाता, यहाँ तक लाने में मेरी पत्नी का योगदान है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए, राधे राधे जी। मेरा सवाल यह है कि जब जैसे कोई किन्नर आता है किसी के घर में तो जितना नेक मांगता है तो हम नहीं दे पाते तो वो श्राप देने लगता है, तो क्या वो श्राप लगता है? नहीं, वो उनका काम है मांगना, जो आपकी श्रद्धा हो आप दे दिया करिए, कोई बात नहीं जी, उनको बोल दिया करिए जो हमारी श्रद्धा है आप स्वीकार। गुरु जी एक मेरे पपरौल गांव लेकर आशीर्वाद दीजिए, पपरौल गांव लेके। बिल्कुल, पपरौल 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 जी चंदौली जिला पपरौल गांव के सभी लोगों का धन्यवाद कि आपने सेवा पहुँचाई है अपने यहाँ तक। राधे राधे महाराज। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे। हम महाराष्ट्र से आए आपसे मिलने के लिए जी, वृंदावन आए तो ऐसे मिलने के लिए, एक साल से आपकी कथा सुन रहे, बहुत सुंदर लगती है आपकी कथा। कुछ नहीं हमारा सवाल, बस खुश रहिए। खुश रहिए। हाँ, नजदीक आके दर्शन ले सकते हम? अभी बैठेंगे अंदर, सबको मिलेंगे जिनको मिलना है। हाँ हाँ। राधे राधे। राधे राधे। आप लोग बैठ जाइए, अभी अंदर बैठेंगे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज। मैं तुम्हारी कथा सुन सुन के लड्डू गोपाल ली हूँ, 2 साल से बहुत तुमको देखने को दिल बोल रहा था। अच्छा है, कथा सुनते रहिए। हाँ ज्यादा, बहुत लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, तुम्हारी कथा बहुत सुनती हूँ रोज। सवाल कुछ नहीं है। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है, हम भजन भी सुन के दोबारा संग की संग भूल जाते हैं, क्या करना चाहिए हमको? याददाश्त बहुत कमजोर है, जो भी भजन गाते हैं वो सब भूल जाते हैं, क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, याद करने के लिए कथा सुना करो, अपने आप अच्छा होगा। अंकुरित अनाज खाया करो, चने वाने अंकुरित करके खाया करो, याददाश्त बढ़ेगी। ठीक है, राधे राधे।